नॉन वेजिटेरियन लोगों का कहना होता है कि हम वेजिटेरियन लोगों को प्रोटीन ही नहीं मिलता। हमारे पास लीन प्रोटीन के लिए चिकन है, मटन है, एग्स है, फिश है, तुम्हारे पास क्या है? हमारे पास पनीर है, सोयाबीन है, अलग अलग लेंटिल्स है, पल्सेस है, टोफू है, बीन्स है, चीज है, अलग अलग सीड्स है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। और हाँ, हमारे खाने में वैरायटी है एंड अलग अलग टेस्ट है, अलग अलग कॉम्बिनेशन है, और हाँ, प्रोटीन भी। तो इसी टेस्ट और वैरायटी के साथ हम आ गए हैं हमारे तीसरे वेजिटेरियन डाइट के एपिसोड में, जहाँ प्रोटीन होगा और टेस्ट भी। और अगर आपने पहले दोनों एपिसोड नहीं देखे तो देख लेना आज ही। तो स्टार्टिंग माय डे विद बनाना, बिकॉज बनाना हर सीजन में अवेलेबल होता है एंड सुबह जो इंस्टेंट एनर्जी की जरूरत होती है वो भी हमें अच्छे से मिल जाती है। सुबह सुबह उठ के बहुत ज्यादा भूख लग रही है, मतलब डाइट बहुत सही चल रहा है। तो इसी एनर्जी के साथ हम चलते हैं ब्रेकफास्ट पे। वेजिटेरियंस में ग्रीन मूंग प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स होता है, पर फिर भी इसका प्रोटीन कंटेंट मुझे और इंक्रीज करना है तो यहाँ पे मैंने लिया है 50 ग्राम बॉइल्ड ग्रीन पीस। तो इन दोनों का मिला के पेस्ट बना लेना है। तो अभी यहाँ जाएगा जीरा, ग्रीन चिली, गार्लिक, कोरिएंडर का पेस्ट, ओनियंस एंड लास्ट में थोड़ा सा सौंफ, ये नहीं भूलना बिकॉज इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। मिक्स 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 एंड देन सॉल्ट। तो अभी तवे पे गया ऑयल एंड ये बैटर भी, दोनों साइड से इसे अच्छे से कुक कर लेना है एंड डन। तो ऐसे बने छोटे छोटे ग्रीन चिले ताकि हमें सुबह इनसे प्रोटीन भरपूर मिले एंड कैलोरीज थोड़ी सी कम मिले। खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी, बहुत ज्यादा हेल्दी। तो पेट फुल तो दिमाग सही काम करता है एंड दिन भर में क्रेविंग से भी डरता है। तो ब्रेकफास्ट के बाद यूजुअली आई टेक ब्लैक कॉफी एंड ब्लैक कॉफी में कैलोरीज ऑलमोस्ट ना के बराबर होती है, पर हमेशा मैक्सिमम बेनिफिट्स के लिए मीडियम रोस्ट बीन से बनी कॉफी पीना, डार्क रोस्ट बीन से बनी कॉफी अवॉइड करना, वरना कॉफी के बेनिफिट्स गए पानी में। तो लंच के लिए मुझे पनीर पे एक एक्सपेरिमेंट करने का मन था। तो वैसे पनीर पे तो काफी एक्सपेरिमेंट हेल्थ एंड फूड इंडस्ट्री ने ऑलरेडी किए हुए हैं, बट ये वाला एक्सपेरिमेंट थोड़ा सा ट्रेडिशनल है। तो यहाँ लिया है 30 ग्राम जवार का आटा, 50 ग्राम बाजरे का आटा, 10 ग्राम चावल का आटा, 10 ग्राम रागी का आटा एंड 20 ग्राम बेसन का आटा। बाद में गया ओनियंस थोड़े से ज्यादा डालना, फिर गया ग्रीन चिली, गार्लिक, जीरा, टर्मरिक, कोरिएंडर, इनका पेस्ट एंड देन सॉल्ट टू टेस्ट। तो ये है मिक्सचर ऑफ मिलेट्स एंड ये मिलेट्स पेट के लिए भी सही, वेट लॉस के लिए तो बहुत ज्यादा सही। तो इसके बेनिफिट्स ओहो लंबी लिस्ट है। तो अभी इसे अच्छे से पानी डाल के थोड़ा सा थिक कंसिस्टेंसी बना लेना है। याद रखना बहुत ज्यादा पानी नहीं डालना है। महाराष्ट्र में वैसे तो इसे थालीपीठ कहते हैं, मिक्सचर ऑफ अलग अलग ग्रेन्स जो कि हमें बहुत ज्यादा अलग अलग बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है। तो गर्म तवे पे ये मिक्सचर हमें अच्छे से स्प्रेड करना है, थोड़ा सा पतला ही रखना है, बीच बीच में इसे पानी लगाते रहना है एंड हाथ से ही स्प्रेड करना है। बट याद रखना ये थोड़ा थीन कंसिस्टेंसी में स्प्रेड हो, बहुत मोटा नहीं बनाना है। जैसे ये थोड़ा थीन कंसिस्टेंसी में स्प्रेड हो जाए तो यहाँ पे लेना है 100 ग्राम पनीर, उसमें गया रेड चिली पाउडर, लेमन, सॉल्ट, मिक्स इट वेरी नाइसली एंड नाउ स्प्रेड दिस ऑन द फ्रंट साइड। यहाँ पे पनीर को स्टफ करने का चांस नहीं छोड़ना है एंड जैसे ही स्टफिंग हो जाए साइड में थोड़ा सा ऑयल लगाना है ताकि ये अच्छे से पक जाए एंड ऊपर से लो फ्लेम पे लीड कवर करके रखना है बिकॉज इसे पकने में 3-4 मिनट तो लग ही जाते हैं। एंड जैसे ही ये एक साइड से पक जाए देन फ्लिप द साइड एंड इसे दूसरे साइड से भी अच्छे से कुक कर लेना है। तो अभी ये गया प्लेट में एंड उसके साथ 100 ग्राम कर्ड। तो अभी ये है प्रोटीन में बहुत हाई एंड कैलोरीज में लो, फाइबर में हाई एंड डाइजेस्ट होगा बॉडी में काफी स्लो। तो दिन भर की फूड क्रेविंग्स को कहो नो नो नो। तो इतना प्रोटीन रिच, हेल्दी, टेस्टी एंड यूनिक डिश फॉर वेजिटेरियंस कहाँ मिलेगा? तो प्रोटीन रिच लंच के बाद बॉडी को मूवमेंट में रखना तो बनता है। तो थोड़ा अपना घर का काम करते हैं एंड अपना भी काम करते हैं एंड 2-3 आवर्स के बाद जिम चलेंगे। तो अभी वर्कआउट के बाद 1.5 स्कूप वे प्रोटीन, सिप बाय सिप। प्रोटीन पीने में ज्यादा जल्दी नहीं करने की, नहीं तो फिर ब्लोटिंग होगी एंड ये ब्लोटिंग दिन भर तकलीफ देगी। तो अभी प्रोटीन के बाद तैयारी डिनर की एंड आज सुबह से तो मैंने राइस ही नहीं खाया यार। तो डिनर में आज खाएंगे ब्लैक मसूर की दाल एंड राइस।
तो यहाँ मैंने लिया है 100 ग्राम ब्लैक मसूर का दाल, तो उसमें पानी डाल के 5-6 सीटी तक इसे पकाना है। एंड जब तक दाल पकती है तब तक एक कढ़ाई लेना है। पहले गया ऑयल, जीरा, करी लीव्स, मिक्स एंड देन ओनियंस। एंड ओनियंस अच्छे से पकने के बाद इसमें जाएंगे टोमेटोज। एंड टोमेटोज अच्छे से पकने के बाद गया कोरिएंडर, ग्रीन चिली, गार्लिक का पेस्ट एंड सॉल्ट टू टेस्ट। कवर द लीड फॉर 5 मिनट्स। एंड 5 मिनट्स के बाद इसमें गया टर्मरिक, कोरिएंडर पाउडर, गरम मसाला, मिक्स वेरी नाइस। यहाँ हमने ऑयल डालने में थोड़ी सी कंजूसी की थी, तो ये मिक्सचर चिपकने लगेगा, बट पानी डालने में कंजूसी नहीं करने का। जैसे ही मसाले पक जाए तो इसमें जाएगी बॉईल की हुई दाल, एंड अच्छे से मिक्स कर लेना। एंड 5 मिनट तक इसे फिर से कुक करना है। तो अभी 60 ग्राम राइस के साथ, बहुत सारे फाइबर के साथ हमारा वेट लॉस मील, हेल्दी मील एंड टेस्टी मील रेडी है। प्रोटीन बॉडी में अच्छे से डाइजेस्ट होने के लिए फाइबर बहुत ज्यादा जरूरी है, तो कभी स्किप नहीं करना। तो ये जो मील है पेट पे बहुत लाइट एंड बहुत टेस्टी, एंड डिनर थोड़ा सा लाइट ही होना चाहिए। तो अब हम कर रहे हैं मिल्क के साथ आज का दिन लॉग आउट। एंड आज हमने दिन भर में कैलोरीज कंज्यूम की इतनी एंड प्रोटीन इतना, तो आज दिन भर में वेजिटेरियन डाइट पे होते होते हमने मिलेट्स भी कंज्यूम की, दाल भी, पूरा दिन फाइबर प्रोटीन का ख्याल रखा भी, तो दिल में नहीं कोई सवाल भी। तो फूड एंड डाइट गोज टुगेदर। हमारा इंडियन फूड इतना ज्यादा न्यूट्रिशियस है कि उसमें हमें हेल्दी एंड फिट रखने की हर एक कैपेबिलिटीज है। बस थोड़ा सा बैलेंस, थोड़ा सा ट्विस्ट, इसी का ही नाम तो डाइट है। तो आई विल सी यू इन अनदर वीडियो ऑफ वेजिटेरियन डाइट। टिल देन हंसते रहो, खुश रहो एंड हेल्दी रहो। एंड अगर आपने पहले भी 2 एपिसोड्स नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन हो जाएगा। एंड टिल देन बाय एंड थैंक यू।